पुलिस लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े के तार पुरानी बर्तियों से भी जुड़ने लगे हैं। मास्टरमाइंड विक्रम चौधरी ने जो पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि उसने पुलिस एचआरटीसी और जेल विभाग में 12 लोगों को फर्जीवाड़े के माध्यम से सिलेक्ट करवाया है। मास्टरमाइंड के खुलासे के बाद अब वर्ष 2012 से 2017 तक हुई भर्तियों में बढ़ते हुए पुलिस जवानों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की कार्यवाही पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। पुलिस लिखित परीक्षा फर्जीवाड़े के तार पुरानी भर्तियों से भी जुड़ने लगे हैं। मास्टरमाइंड विक्रम चौधरी ने जो पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है, उसने पुलिस एचआरटीसी और जेल विभाग में 12 लोगों को फर्जीवाड़े के माध्यम से सिलेक्ट करवाया है। मास्टरमाइंड के खुलासे के बाद अब वर्ष 2012 से 2017 तक हुई भर्तियों में भर्ती हुए पुलिस जवानों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की कार्रवाई पुलिस विभाग ने शुरू कर दी है। पुलिस विभाग में फर्जीवाड़ा कर सिलेक्ट हुए लोगों पर पुलिस विभाग कानूनी कार्रवाई भी करेगा। ये बात एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कही। एसपी ने कहा कि मास्टरमाइंड द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार पुलिस विभाग में उसके माध्यम से 7 से 8 लोग भर्ती हुए हैं। एक तो लोग एचआरटीसी में बतौर कंडक्टर और एक व्यक्ति जेल वार्डन के पद पर उसके माध्यम से भर्ती हुआ है। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड ने खुद कबूला है कि उसने वर्ष 2012 से 2017 तक हुई भर्तियों में युवकों को भर्ती होने में मदद की है। मास्टरमाइंड ने जो लोग बताए हैं वो सभी जिला कांगड़ा से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड के अनुसार उसने 12 लोगों की जगह परीक्षा दिलाकर उन्हें विभिन्न विभागों में सिलेक्ट करवाया है। एसपी विमुक्त रंजन ने कहा कि पुलिस विभाग में फर्जीवाड़ा कर भर्ती हुए जवानों पर जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो मामला भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड का बैकग्राउंड हरियाणा का है, जबकि वो काम कांगड़ा में ही करता था। पुलिस भर्ती मामले में जो मेन अक्यूज्ड है उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसकी इंटरोगेशन के बेसिस पे उसने 10-12 लोगों के नाम डिस्क्लोज किए हैं जो इस भर्ती से पहले इसी तरह की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रम ने और उसके साथियों ने उनको सेलेक्ट करवाया है। तो उनकी वेरिफिकेशन डिटेल हम कर रहे हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करके जो भी उसमें फर्दर कार्रवाई होगी उसमें हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। कौन कौन से विभाग हैं सर पुलिस के अतिरिक्त जिसमें ये फर्जीवाड़ा हुआ है सर? इसमें कुछ व्यक्ति एचआरटीसी कंडक्टर्स हैं और जेल वार्ड। कितने लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हो गए? लगभग 35 लोग जो हैं टोटल इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और आगे हो सकता है कुछ लोग और गिरफ्तार। सर ये जो फर्जीवाड़ा है ये अभी का ही है, इससे पहले कब से कब तक के? 2012 से जो है 2012 से लेके 2012 ऑनवर्ड जो भी भर्तियां हुई हैं उसमें इन लोगों का ये इन्वॉल्वमेंट रही है और ऐसे माध्यम से उन्होंने लोगों को भर्ती करवाया है या करवाने की कोशिश की है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी भर्ती हुई है उन पे क्या एक्शन होगा और जो अदर डिपार्टमेंट्स में हुई हैं उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? जो हमारे विभाग से कांगड़ा पुलिस से संबंधित है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंक्वायरी करके जो भी लीगल एक्शन है वो इनिशिएट कर रहे हैं उसमें, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके कंसर्न संबंधित विभाग अध्यक्षों को हम लोग इसमें रिपोर्ट बना करके भेज रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई उनको लगती है वो अकॉर्डिंगली करेंगे।